नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की सुन में आपको बताऊंगा यहाँ पे एयरटेल का जो क्रेडिट कार्ड है फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है, वो भी यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट कॉल वेरिफिकेशन यहाँ पे अप्रूव हुआ है। आपको पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो सुनना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें टाटा नियो का यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ था। मतलब मैंने जिनका भी अप्लाई किया था एक ही दिन में यहाँ पे मैंने दो क्रेडिट कार्ड किया था। पहला तो यहाँ पे HDFC का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, दूसरा यहाँ पे एयरटेल का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और सेम डे से यहाँ पे मैंने वीडियो को ऐसे भी किया। फिर उसके बाद यहाँ पे दो से तीन दिन में कार्ड भी अप्रूव हो गया। अब देखिए, टाटा न्यू का जो यहाँ पे वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगा। मैंने पूरा यहाँ पे एक एक सिविल यहाँ पे स्कोर जो भी है यहाँ पे लाइव यहाँ पे दिखाया था। देखिए क्या रहता है कि इसमें अप्रूवल रेट यहाँ पे टाटा न्यू का बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट के साथ यहाँ पे मिला था, 56,000 लिमिट के साथ यहाँ पे मिला था। अब देखिए वो कार्ड भी अप्रूव हुआ विदाउट इनकम प्रूफ। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड यहाँ पे मिला था। अब समझ लीजिए दोनों ही एक ही दिन में अप्रूव, यहाँ पे अप्रूवल का मैसेज आया था। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए जो यहाँ पे कार्ड है जिनका भी मैंने अप्लाई किया था उनके पास यहाँ पे देखिए वन कार्ड था जो कि 5,000 लिमिट के साथ यहाँ पे FD किए थे और FD यहाँ पे जो है उसकी लिमिट यहाँ पे मिली थी कार्ड की 5,500 रुपये की यहाँ पे मिली थी। एक बार भी यूज नहीं किया गया है कार्ड को, एक बार भी यूज नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे एक साल होने को आ गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले भी बताया है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी यहाँ पे सिविल स्कोर हो, कोई भी बैंक हो, पहले आपका यहाँ पे रिपोर्ट देखती है। रिपोर्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है कोई भी एक सिक्योर यहाँ पे चीज़ ले, चाहे आप लोन ले लीजिए। लोन लेंगे तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट का लोन लेंगे और ज़्यादा पुराना रहेगा तब जाके आपका अच्छा यहाँ पे स्कोर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जिससे आपको आगे जाके कार्ड मिल सकता है। अगर अच्छा यहाँ पे मतलब बड़ा लोन लेंगे, दो चार लोन लेंगे तब जाके मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे FD कार्ड ले लेंगे, जैसे कि वन कार्ड हो गया, वाव क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब का अगर कार्ड लेते हैं तो क्या होता है कि आपके सिविल रिपोर्ट में यहाँ पे ज़्यादातर ये अच्छा इफेक्ट करता है। और इससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा ये है कि आपके सिविल रिपोर्ट में है जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड शो होता है। उस क्रेडिट कार्ड के कारण आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अब देखिए मैंने भी यहाँ पे जैसा कि एक बार भी यूज नहीं किया था, वो कार्ड मैंने ही अप्लाई किया था, मेरे पास ही था, ठीक है। वो कार्ड यहाँ पे देखिए एक बार भी यूज नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया HDFC जो कि अप्रूव हुआ, दूसरा यहाँ पे एक्सिस अप्लाई किया वो भी अप्रूव हुआ, तीसरा अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले ही मैंने RBL का अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे अप्रूव हुआ उसी दिन अप्लाई किया वो भी यहाँ पे 25,000 किलोमीटर के साथ अप्रूवल हुआ। वो सबका वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप देख सकते हैं। देखिए यही मेन रीजन है, आप सबसे पहले यहाँ पे अपने सिविल स्कोर को जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको यहाँ पे मेंटेन करें, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे कार्ड अप्रूव हुआ, क्या यहाँ पे लिमिट मिला है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल के डैशबोर्ड में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सिविल रिपोर्ट है, क्रेडिट रिपोर्ट है, वो यहाँ पे दिखा देता हूँ वन स्कोर एप्लीकेशन को ओपन करके, ठीक है। यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर देता हूँ, लॉगिन वगैरह करने के बाद यहाँ पे देखिए ओपन कर देता हूँ पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे सिविल रिपोर्ट है वहाँ पे फाइंड कर रहा है, फाइंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सिविल रिपोर्ट है 777 और एक्सपीरियंस का यहाँ पे रिपोर्ट है 861। ये चीज़ मैंने यहाँ पे टाटा न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे जब अप्रूव हुआ था टाटा न्यू का क्रेडिट कार्ड तभी भी दिखाया था, अभी भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक साथ ही मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब लोन वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनोफिन यहाँ पे देखिए जो पोस्टपे का यहाँ पे है वो है और उसके साथ साथ SBI बैंक का कार्ड है 5,500 लिमिट के साथ। तीसरा यहाँ पे IDFC का पे लेटर है जो कि फ्लिपकार्ट के साथ यहाँ पे टाइप है, ठीक है। ये तीन चीज़ ये बस एक्टिव है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ पे एम पॉकेट से लोन लिया गया है दो बार, बस हो गया, वो भी 500 रुपये का हो गया, वो भी करीबन एक साल से ऊपर हो चुका है लोन का। और ये जो यहाँ पे FD कार्ड है अभी यहाँ पे एक साल नहीं हुआ है, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, एक साल भी अभी नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट, यहाँ पे जो इशू डेट है 23 मई 2022 का है, ठीक है। लिमिट यहाँ पे पूरा देख लीजिए अभी पड़ा हुआ है, एक बार भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन वगैरह मतलब यूज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ लिमिट यहाँ पे कितना मिला है। मतलब आपको तो आप दिखा दिया कि मतलब एक भी यहाँ पे कार्ड नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए मैसेज भी आ गया है जो देख लीजिए आपके सामने, एप्लीकेशन यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल गया है, कार्ड अप्रूव होगा, डिलीवरी भी यहाँ पे हो गया है, मैसेज भी आ गया है यहाँ पे डिस्पैच का। अब देखते हैं यहाँ पे कब तक आता है, ठीक है। अब मैं आपको लिमिट वगैरह भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए हमने एयरटेल का एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे नीचे से तीसरा नंबर है। शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारे एयरटेल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट यहाँ पे दी गई है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए अप टू 5 लाख का यहाँ पे क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए फाइनेंस वाला ऑप्शन दिखेगा एयरटेल का, यहाँ पे जो फाइनेंस वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर है एयरटेल का जो क्रेडिट कार्ड है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एयरटेल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर पे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कार्ड वगैरह यहाँ पे जो है शो हो जाएगा, लिमिट वगैरह जो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने 15,000 की लिमिट यहाँ पे मिली है। कार्ड यहाँ पे देखिए अंडर प्रोसेस में है, कार्ड मतलब यहाँ पे डिस्पैच हुआ है, अभी यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, एक दो दिन में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इसके बेनिफिट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपको चाहिए तो अभी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देख लीजिए अभी कार्ड यहाँ पे डिस्पैच हुआ है। ठीक है, डिस्पैच हो गया, कल परसों तक आ ही जाएगा, तो उसका वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन में चेक करिए, अगर मिल रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखाया, जो भी यहाँ पे था लाइव दिखाया, सिविल रिपोर्ट, लिमिट, मैसेज, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अप्लाई करना है तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूवल यहाँ पे अच्छा हो रहा है। एयरटेल का सिम रहे ना रहे फिर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है एयरटेल का, मैंने पहले भी अप्लाई किया था जब यहाँ पे एफडी कार्ड नहीं था, तो मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ था। एक चीज़ और बता दूँ, देखिए इनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी है एक्सिस बैंक पे, फिर भी वीडियो केवाईसी करना पड़ा था। वीडियो केवाईसी के बाद ही यहाँ पे दूसरे दिन अप्रूव हुआ था। ठीक है, एक्सिस बैंक में यहाँ पे अकाउंट होने के बावजूद। तो देखिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया, कैसे मिला, क्या प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे बताया। अगर वन कार्ड और वाओ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स आता है तो वीडियो आपको मिल जाएंगे आई बटन में, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।